हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं एक और नई एक्सपेरिमेंट वीडियो। तो आज हम इस कटोरी में डाल लेंगे पेट्रोल और इस मोटर को लगा देंगे 220 वोल्ट वाले प्लग में और इस मोटर को डाल देंगे इस पेट्रोल में और फिर देखते हैं कि क्या होता है। हो सकता है कि कोई बड़ा धमाका हो, तो जो भी होगा वो आपके सामने होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और जो एक्सपेरिमेंट है वो हम बाहर करेंगे, हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पेट्रोल सेहत के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारे पास मोटर है, देखिए पूरी की पूरी नई मोटर है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ऊपर से देख लीजिए पूरी की पूरी नई मोटर है। और देखिए मैंने इसके साथ देखिए हाई वोल्टेज तार जोड़ दिए हैं। इसमें पहले आपको एक बार मोटर चेक कराता हूँ कि मोटर सही है, यदि बैटरी में लगाकर फिर पंखुड़ी भी लाया हूँ। देखिए मैं आपको दिखाने के लिए मोटर चल रही है तो मोटर बिल्कुल सही है। तो आपको ये और दिखाता हूँ, ये ऊपर आगे देखिए इसको चेक करवाता हूँ कि इसमें 220 वोल्ट का करंट ही आ रहा है। दोस्तों देखिए हमारे पास ये वाली मशीन जो कि हमने मतलब पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने ये वाला चक्र बना के दिखाया था, उससे बहुत सी चीज़ें काट के देखी थी। अगर आपको वाला एक्सपेरिमेंट वीडियो देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी इसको मैं पहले चेक करवाता हूँ आपको एक बार। ये देखिए दोस्तों, तो आपने देख लिया कि इसमें 220 वोल्ट का करंट ही आ रहा है। तो अब हम करने वाले हैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट। ये पेट्रोल और इसमें डाल लेते हैं जितनी हमको जरूरत है। तो दोस्तों पता नहीं क्या होगा, सही बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। देखिए हमने इतनी पेट्रोल ले ली है, मेरे हिसाब से इतनी में जुड़ जाएगी, थोड़ी बहुत ले लेते हैं और क्या। ये देखिए इतने में आराम से हो जाएगी एक्सपेरिमेंट हमारा। तो दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, बैटरी वगैरह सब कुछ हटा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सारे इंतजाम कर लिए। देखिए मैं वापस लगाऊंगा, वहाँ पर क्या अभी मैंने बंद कर दिया है, तो जैसे मैं लगा दूंगा उसके बाद मैं ऊपर से चालू कर दूंगा। ये देखिए दोस्तों मैं लगा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने सब कुछ लगा दिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस मोटर में से पंखुड़ी खींच लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसमें डाल देता हूँ इसको, इसके अंदर देखता हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो जो भी होगा वो आपके सामने होगा। तो देखते रहना यार, आपको भी मजा आ रहा होगा मुझे पक्का पता है। ये देखिए सब कुछ है चालू, तो अब मैं बस चालू करने जा रहा हूँ। तो मैं माइक को यहीं लगा देता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मैं चालू करने जा रहा हूँ। तो अब मैं मोटर को चालू कर रहा हूँ, बस हवा निकल गई। तो दोस्तों आपने देखा होगा एक झटका सा लगा और कुछ बिल्कुल भी नहीं हुआ। देखिए मैंने माइक मतलब अभी बंद कर दी टोटली। तो मैं देखिए एक बार चालू करने जाता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। तो इस बार मैं माइक साथ में ले जाता हूँ। तो देखिए मैं ऊपर से चालू कर रहा हूँ लाइट को। दोस्तों आपने देखा कि क्या हुआ, जो भी हुआ आपके सामने हुआ। देखिए पेट्रोल में से धुआं निकल रहा है, आप देख रहे होंगे अभी फिलहाल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं धमाके हो रहे हैं पेट्रोल में, मैं लगा रहा हूँ वैसे फिर से बार बार धमाके हो रहे हैं। तो दोस्तों पहले हम एक बार खींच लेते हैं इसमें से। तो दोस्तों आपने देखा कि क्या हुआ, जो भी हुआ आपके सामने हुआ। तो देखिए पेट्रोल कलर देखिए अब बदल चुका है, पहले क्या अलग कलर का था ये देखिए, पहले ऑरेंज से कलर की थी, अब देखिए ब्लैक ब्लैक डार्क हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं फिर से एक बार और लगाने की कोशिश करते हैं तार को फिर से। तो पहले मैं इसमें से इसको खींच लेता हूँ एक बार, पहले मैं बोर्ड को चालू करता हूँ। तो देखता हूँ तो तार का तो कुछ नहीं हुआ, तार बिल्कुल सही है, तार बिल्कुल सही, तार में कोई दिक्कत नहीं आई है। दिक्कत आई पेट्रोल में और दिक्कत आई है बोर्ड में। तो पहले मैं बोर्ड चालू करता हूँ एक बार, आप देखिएगा। दोस्तों अगर मैं सही बताऊं तो जो एक बोर्ड है ना, जो इसके ऊपर का बोर्ड है ना, वो खराब हो चुका है और लाइट पता नहीं क्यों बार बार मिला कर रही है, चालू हो रही बंद हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। अब मैं क्या है इसको मैंने डायरेक्ट लगा दिया, पहले क्या है बिजली दूसरे बोर्ड से पास आउट हो गए फिर इसके पास आ रही थी, तो मैंने उस बीच वाले बोर्ड को हटा दिया फिलहाल। तो मैंने डायरेक्ट लगा दिए, तो हम फिर से लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं, तो हम फिर से लगाते हैं एक बार और, मतलब पहले क्या है ना, पहले मैं ऊपर से बंद कर देता हूँ बोर्ड को, उसके लगाने के बाद फिर मैं चटकनी चालू करूँगा। तो दोस्तों आपके सामने देखिए प्लग लगा लेता हूँ। तो दोस्तों सही बताऊँ तो लाइट पता नहीं अपने आप ही पता नहीं बंद चालू हो रही, बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरे लगता सब इसी कारण हुआ है। पहले बिल्कुल नहीं जा रही थी, बोर्ड में कोई खराबी आ चुकी है मेरे हिसाब से, और एक बोर्ड तो खराब ही हो चुका है। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने लगा दिया, तो मैं डायरेक्ट लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों लाइट अब बहुत ज़्यादा मटक रही है, पहले थोड़ी थोड़ी मटक रही थी, अब तो बहुत ज़्यादा मटक रही है। तो दोस्तों आपने देखा आपके सामने लाइट चली गई थी, तो मैं क्या बहुत ज्यादा घबरा गया था, उस वजह से मैंने वीडियो बंद कर दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए अभी देख थोड़ी देर पहले धमाका हुआ है यहाँ पर, उस मोटर की वजह से सिर्फ। ये देखिए यहाँ पर
ब्लैक ब्लैक हो गया है और कमरे में थोड़ा बहुत धुआं हो गया था। चलिए मैं आपको मोटर का हाल दिखा देता हूँ एक बार, मोटर को चेक करवा देंगे आपको एक बार। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ हाल हुआ है। तो दोस्तों आप ऐसा ट्राई करने को बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि घर की साइड भी सब उड़ सकती है। पता नहीं लाइट अपने आप आ गई है, बिल्कुल हमने कुछ भी नहीं किया, अपने आप लाइट आ गई जाके फिर से वापस आ गई, लेकिन धमाका जरूर हुआ है, ये बात पक्की है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं सेटअप पर, वही बात करेंगे आगे। तो दोस्तों मैं सहता हूँ, तो मुझे लग रहा था कि पूरे घर की लाइट आ चुकी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी कमरे की लाइट आई है, बाकी और किसी कमरे की लाइट नहीं है। तो पहले क्या जहाँ धमाका हुआ है वहाँ से तारों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए हमारे देखिए मीटर लगा हुआ है, ये आप देखेंगे तो एक मीटर बार भी है, पर ये हमारा पर्सनल मीटर है अगर आप देखेंगे तो। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहीं से फिर लाइट हमें फिर से सही करनी पड़ेगी। तो पहले हम लाइट सही कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, सही बता रहा हूँ, हमारी पता पूरी घर की लाइट चली गई थी, और मतलब सिर्फ एक कमरे की लाइट थी, वो भी हम पौन घंटा हो चुका है लाइट को सही करते करते। तो अब हमारी पूरी घर की लाइट आ चुकी है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सही बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तो मैं सही बताऊँ, तो देखिए पेड़ का कलर चेंज हो चुका है, पहले क्या ऑरेंज था, अब देखिए थोड़ा सा डार्क सा हो गया है। और देखिए ये रही हमारे मोटर, ये भी सारे इसके अंदर का पेट्रोल सूख गया हुआ। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ ये चल रही है कि नहीं चल रही है। तो देखिए अब देखिए इसी में से देखिए हमने तार काटे हैं, मतलब लाइट को सजाने के लिए बहुत से तार थे उसमें जले गए थे, पाँच तार थे उसके अंदर, आप देख रहे होंगे। पहले मैं काट लेता हूँ तारों को, दोस्तों बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये मोटर खराब हो चुकी है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए पूरा पूरा तार देखिए मेरे हाथ में, बिल्कुल मतलब चल नहीं रही, मतलब दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है, मैंने क्या चेक नहीं किया था, तो मतलब टाइट हो चुकी है बहुत ज़्यादा, घूम ही नहीं रही वो तो बिल्कुल भी, घूमे ही कैसे, किसी हालत में नहीं घूम रही वो तो, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है। देखिए मैं कितनी बार धक्का मार रहा हूँ तभी नहीं घूम रही। दोस्तों अब घूमने लगी है, अब बहुत ढीली हो चुकी है, और फिर भी मतलब बैटरी से तो नहीं घूम रही, घूम नहीं रही है, कहने मतलब ये साथ घूमी थोड़ी सी घूमी। तो पहले मैं एक बार सही से लगा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने पता बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, मैंने बहुत ज़्यादा घुमाने की कोशिश कर ली इस मोटर को, तो बिल्कुल भी नहीं घूम रही है। शुरुआत में दो तीन झटके लगे थे, पर फिर अब नहीं घूम रही बिल्कुल भी। तो हम कह सकते हैं कि इसने ये खराब हो चुकी है बिल्कुल ही। तो सही था, ये 10 रुपये वाली मोटर ने इतना आकार मचा दिया कि हमारे घर में मतलब फॉल्ट वगैरह हो गया। हम पता बड़े वाली मोटर लेने वाले थे ये वाली, तो अगर ये लेते तो सोच सकते हैं आप क्या हो सकता था, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इसने पता पूरी 3-4 वो तार काट दिए, और भी एक आधो तार और कट गए थे अंदर कमरे में। तो आप सोच सकते हैं 10 वाली मोटर ने इतना आकार मचा दिया, तो बड़ी लेते फिर क्या होता। तो हमने बड़ी इसलिए नहीं ली, पहले मैंने सोची पहले छोटी साथ करते फिर बड़ी साथ करेंगे, पर जब छोटी ने इतना वो कर दिया तो बड़ी नहीं ले सकते हम किसी हालत में। तो दोस्तों सही था, तो मुझे पता ऐसा लग रहा था कि ये क्या पेट्रोल में क्या हम लगाएंगे ना, तो क्या होगा ना इसमें से क्या थोड़ा धमाका होगा, एक्सप्लोजन होगा, आग वगैरह लगेगी, और क्या कहते हैं मोटर भी फॉल्ट वगैरह बोलेगी। तो बिल्कुल मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, और आपने देखा क्या हुआ था, धुआं वगैरह निकला था, तो जो भी आपके सामने हुआ था। तो दोस्तों सही था, तो आप ऐसा ट्राई करने की बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि सही कह रहा हूँ, अगर आपने 10 वाली मोटर भी अगर लगा देना डायरेक्ट तो आपके घर के तार वगैरह सब कुछ जल सकते हैं, तो बिल्कुल ट्राई करने की बिल्कुल ही मत करना। तो दोस्तों कहता हूँ, तो ये रिस्क हम आपके लिए लेते हैं। तो दोस्तों आपका इतना फर्ज बनता है कि आप यार हमारी वीडियो का लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें यार, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर देना तो दिल से बुरा लगता है यार, हम इतनी मतलब मेहनत कर रहे हैं आप सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस बार।